आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नीमच जिले की मंगला बगीचा समस्या का वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निराकरण किया था। समस्या के समाधान के बाद व्यवस्थापन बोर्ड का गठन कर नागरिकों से आवेदन मंगाए गए थे। बोर्ड के माध्यम से करीब 16,000 आवेदकों का निराकरण किया जाना था, लेकिन 4 साल के इस अवधि में भूखंडों व भवनों के व्यवस्थापन के लिए महज 1,070 आवेदन ही पहुँचे। इनमें से भी सिर्फ 651 प्रकरणों का ही निराकरण हो पाया है। शेष आवेदकों के प्रकरण अब भी लंबित हैं। व्यवस्थापन बोर्ड की धीमी रफ्तार को गति देने के लिए गत दिनों कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नगर पालिका अधिकारी की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद भी व्यवस्था की प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि जब तक सरकार मसूदे में पारित जटिल नियमों में संशोधन कर मंगलवासियों को राहत नहीं देगी, तब तक शायद ही लोग व्यवस्थापन के लिए बोर्ड तक पहुँचेंगे। सभी नागरिकों के नियमों में बदलाव नहीं हुए। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बढ़े हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।